हम लोग 2020 में पैसा दिए हैं, आज 2022 होने वाला, अभी तक हम लोग को ड्रेस नहीं मिला है। और जब हम लोग ड्रेस का मांग करने जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम, हम लोग वो प्रिंसिपल जिसको तुम पैसा दी है उनसे ड्रेस मांग, सल्टी तरीके से बात करते हैं, कहीं भी तुम लोग ये करती है वो करती है, ऐसे ऐसे करके हम लोग बदतमीजी तरीके से बात किया जाता है। हम लोग लड़की हैं तो हम लोग का कमजोर समझ के यहाँ पे किया जाता है। मैम हम तो पता है उसमें भी हमको 7,000 लिया। मैम बोलता है मेरा पेपर फेंक दिया, बोलता है जाते एडमिशन नहीं होगा, भागो। नमस्कार, हम महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहुंचे हुए हैं जो प्लाजा चौक के पास है। यहाँ आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बच्चियाँ हैं, ये करीब 160 की संख्या में है। इनकी शिकायत है कि इन लोगों में से हर किसी ने अलग अलग अमाउंट, लगभग किसी ने 6,000, किसी ने 5,000, किसी ने 4,000 कॉलेज प्रबंधन को अपने यूनिफॉर्म के लिए दिया था। और ये 3 साल पहले की बात है जब इन्होंने पैसे दिए थे, लेकिन अब तक इनका ड्रेस इन्हें मिला नहीं और अब ये कॉलेज से निकलने वाली हैं। पूरा मैटर क्या है, कब इन्होंने क्या दिया, इन्हें समझते हैं। क्या विरोध प्रदर्शन कर रहे हो? हम लोग 2020 में एडमिशन लिए थे, एडमिशन के बाद हम लोग को उस वक्त पैसा लिया गया और हम लोग जब बोले कि हम लोग पैसा नहीं दे सकते अभी 5,500, तो हम लोग को ये बोला गया कि अगर 5,500 तुम नहीं दोगी तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। ऐसे हम लोग कैसे कैसे पैसा जुगाड़ करके एडमिशन लेने के लिए हम लोग ड्रेस का भी पैसा दिए, और जब हम लोग ड्रेस का पैसा दे दिए और आज हम लोग का फिफ्थ सेमेस्टर होने वाला है, हम लोग 2020 में पैसा दिए हैं, आज 2022 होने वाला, अभी तक हम लोग को ड्रेस नहीं मिला है। और जब हम लोग ड्रेस का मांग करने जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम, हम लोग वो प्रिंसिपल जिसको तुम पैसा दी है उनसे ड्रेस मांग के आओ, और वो प्रिंसिपल रिटायर हो चुके हैं। तो हम लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉलेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग का अभी तक पैसा, ना ही पैसा मिला है ना ही ड्रेस मिला, हम लोग को कुछ नहीं मिला है। और इसके बाद भी हम लोग इस बात को लेकर JUT तक गए हैं, JUT से कुछ कुछ हम लोग के यहाँ टीचर भी आए थे, वो लोग भी हम लोग का कुछ नहीं सुने। अब आप ही बताइए, हम लोग गरीब बच्चों का सुनेगा कौन, हम लोग को ड्रेस मिलेगा कैसे, हम लोग विदाउट ड्रेस के कैसे आते हैं किसी को पता नहीं चलता, ये लोग ड्रेस देने से इनकार कर रहे हैं। सब मिडिल क्लास हैं? यस मैम, सब मिडिल क्लास हैं। क्या कह रहे हैं प्रबंधन, क्या कह रहा है कॉलेज मैनेजमेंट? कॉलेज से हम लोग बात जब करते हैं तो कॉलेज यही बोलता है कि तुम लोग का सुना जाएगा, टाइम लगेगा, तुम लोग नोट एप्लीकेशन लिख के दो, तो हम लोग एप्लीकेशन भी लिख के देते हैं पर यहाँ नहीं सुना जाता है, एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाता है। हम लोग बहुत बार यहाँ एप्लीकेशन लिख कर दिए हैं इन्हें। कितने पैसे आप लोगों ने दिए थे, क्यों नहीं दी जा रही है ड्रेस? कुछ मेरे से 6,000 लिया गया था, क्यों नहीं मिल रहा ड्रेस, कुछ पता था? बोल रहे हैं कि जो पहले जिनको पैसा दियो उनसे मांगो, तो उन लोग से हम लोग कॉल पे बात करते हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं कि तुम लोग का वही ऑफिस में कोई फिजिक्स लैब है वहीं पर तुम लोग का ड्रेस रखा हुआ है ड्रॉ में, पर वो देते नहीं है अभी तक। अब ड्रेस चाहिए या पैसा चाहिए? मैम पैसा चाहिए हम लोग को, क्योंकि ड्रेस हम लोग मांगते मांगते थक गए हैं और सर देने वाले भी नहीं है। जितना पैसा लिया गया उतना अमाउंट, और हम लोग का एक तरह का पैसा लेके नहीं गया है मैम, सिर्फ 5, किसी से 5,000, किसी से 5,500, किसी से 6-7, ऐसे करके लिया हुआ है, और जनरल वाला से ज्यादा लिया गया है, ये कह के कि तुम लोग का बिना पैसा के एडमिशन नहीं होगा। क्या कह रही है मैम? हम तो पता है ST है, उसमें भी हमको 7,000 लिया। मैम बोलता है मेरा पेपर फेंक दिया, बोलता है जा तेरा एडमिशन नहीं होगा, भागो, ऐसे बोलता था। और पता है पेपर भी फेंक दिया, बोला नहीं लेंगे एडमिशन, जाओ, हो गया। और फिर पैसा दिया मैम, और कुछ दिन बाद बोले कि सर हम लोग को ड्रेस कब मिलेगा, तो बोलता नहीं मिलेगा, जाओ जो करना है कर लो, ऐसे बोलता है हम लोग का प्रिंसिपल। और बदतमीजी भी करते हैं सर प्रिंसिपल सर, हाथ भी उठा सर। जो मैम जो भी प्रिंसिपल आ रहे हैं वो बोल रहे हमारा मैटर नहीं है, हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस डेट पे डेट हम लोग को दिए जा रहे हैं। प्रिंसिपल चेंज हो गए, 3 प्रिंसिपल चेंज हो चुके हैं मैम, और सब पहले वाले से मांगने कहते हैं। हाँ सब बोलते हैं कि ये हमारा, सब बोलते हैं 3 मंथ रुको, 4 मंथ रुको, लेकिन फिर भी हम लोग को 4 मंथ होते रहता है, समय बीतते रहता है, लेकिन हम लोग को नहीं मिलता है। आप देख रहे होंगे कि बच्चियों ने, सबों ने मास्क लगाया हुआ है, फेस कवर किया हुआ है, क्योंकि इनके अंदर डर भी इतना है कि अगर बोलेंगे, इसको प्रबंधन के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो इनके मार्क्स काट दिए जाएंगे, इन्हें परेशान किया जाएगा। तो इस तरह के टॉर्चरिंग लेवल से ये लोग जो हैं गुजर चुके हैं, इसलिए पहले से सतर्क है, सब उन्हें अपने फेस कवर किए हुए हैं। क्या कह रही हैं? पिछले यहाँ की जो सीनियर थी वो लोग का रिजल्ट अभी तक रोक के रखा गया, पेंडिंग में वो लोग दिया नहीं जाता है कि वो लोग यहाँ पे प्रदर्शन करती ये करती। यहाँ के शिक्षा व्यवस्था एकदम खराब है मैम, कुछ भी यहाँ पे ठीक से नहीं होता है मैम, यहाँ पे हर चीज़ के लिए हम लोग को एक बार मैम प्रिंसिपल के सामने जाके बोलना ही पड़ता है और प्रिंसिपल नहीं सुनते। यहाँ पे अभी नटवर सर हैं पर सुना जाता है बस VS राय सर का, जबकि वो वहाँ के प्रिंसिपल नहीं है, फिर भी VS राय का सुना जाता है। क्यों सुना जाता है आज तक हम लोग को ये पता नहीं चला, और यहाँ के प्रिंसिपल खुद से कोई स्टैंड लेते ही नहीं है, और क्यों नहीं लेते ये हम लोग को कुछ पता ही नहीं है। यहाँ किस चीज़ के स्टूडेंट? हम लोग CS के हैं, सब इंजीनियर। हाँ सब इंजीनियर, CS EE यहाँ पे 3 ब्रांच के इंजीनियर हैं। अब क्या मांग? अब हम लोग को ड्रेस,
नहीं चाहिए, अब हम लोग को बस पैसा ही चाहिए। 6 महीना के लिए ड्रेस पहन के कोई फायदा नहीं है। 6 महीना बाकी है, हम लोग 6 महीना और मैम हम लोग बाहर में, जब हम लोग बाहर में पूछे ड्रेस बना बनाया हम लोग कितना मिलेगा, तो 800 में ड्रेस मिल रहा है मैम। और हम लोग से 5.5 किसी से 6 किसी से 7, ऐसा क्यों? हम लोग गरीब परिवार के हैं, सरकारी के लिए पढ़ाई लिखाई करके यहाँ आते हैं, और हम लोग से 6,000-7,000 ऐसे क्यों लिया जाता है? हम लोग का पैसा भी, हमने मेहनत भी की और आज तक हम लोग को कुछ नहीं मिला। और यहाँ तक ये लोग इंसल्टी तरीके से बात करते हैं, कहीं भी तुम लोग ये करती है वो करती है, ऐसे ऐसे करके हम लोग को बदतमीजी तरीके से बात किया जाता है। हम लोग लड़की हैं तो हम लोग को कमज़ोर समझ के यहाँ पर किया जाता है, कहा जाता है कि तुम लोग का बैच खराब है। ये नहीं देखते कि हम लोग के बैच के साथ ये लोग कैसे प्रताड़न कर रहे हैं, कुछ भी नहीं देते हैं यहाँ पे। लोग बात ढंग से नहीं करते हैं एक स्टूडेंट से, अपना हक के लिए लड़ते हैं तो उसके लिए हम लोग को बोलते हैं यहाँ इतना कोई नहीं आएगा, इतना कोई नहीं आएगा, इस तरीके से यहाँ पे ये लोग रोक के रखे हैं, हाथ बात भी उठा देते हैं। मैम बदतमीजी भी करते हैं, मारने वाले भी, हाँ ऐसे ही ठोक देते हैं हाथ से, बोलते हैं तुम लोग तो ऐसे बदतमीज हो, तुम लोग जैसा स्टूडेंट नहीं देखे हैं। मैम यहाँ के पीओ हैं वो भी अपना गुरूर दिखाते हैं, हर चीज़ में स्टूडेंट को ही नीचे गिराते रहते हैं। यहाँ पे कुछ काम करने जाते उसमें वो लोग तैस होके बोलते हैं, यहाँ नहीं नॉर्मली कोई नहीं बोलता है यहाँ पे टीचर, यहाँ तक यहाँ के प्यून है, हर कोई है, हर कोई अपने तहस में रहता है। स्टूडेंट का यहाँ कोई इज्जत नहीं है, बस नाम का ये सरकारी कॉलेज है, कोई नहीं है। अपने वैल्यू के लिए भी हम लोग को पैर पकड़ना पड़ता है, स्टूडेंट का यही है, हम लोग को समझ नहीं आता कि ये कैसा कॉलेज है। हॉस्टलर से मैम पता है हम लोग को, मैम कुछ भी सामान खरीदना होता है ना मैम, तो बोला जाता है ना कि तुम लोग को कॉलेज टाइम में ही जाना है, संडे या फिर हॉलीडे के दिन नहीं जाना है। मैम हम लोग का क्लास टाइम रहता है, तो मैम हम लोग क्लास करेंगे या फिर मार्केट जाएंगे? मैम हम लोग अपना क्लास छोड़ कर मार्केट जाएंगे, और हम लोग बोलते हैं कि संडे को जाना है या फिर हम लोग हॉलीडे के दिन जाना चाहते हैं, क्योंकि उस दिन हम लोग का छुट्टी होता है। तो मैम उस दिन हम लोग को नहीं जाने दिया जाता, बोला जाता है कि तुम लोग के लिए रूल्स है, तुम लोग को उस दिन नहीं जाना है। मैम यहाँ पर रूल्स फॉलो होता है, और हम लोग को जब ड्रेस नहीं मिल रहा है हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं, वो रूल्स किसी को नहीं दिखता है। मैम सर बिना शोर गुल किए ये बताइए कि प्रबंधन क्या कह रहा है इस बारे में, क्यों नहीं दिया गया? बिना शोर गुल किए हम किसी तरह का यहाँ प्रदर्शन करने, प्रबंधन जो है विभाग को चिट्ठी लिख चुका है, विभाग से मार्गदर्शन मांगा है, और विभाग से जो है वो कल प्रिंसिपल साहब ने बोला कि फाइल वहाँ बढ़ चुकी है, आदेश आएगा वितरित कर दिया जाएगा। एक मिनट आप लोग अपना बात रख लिए ना, आप लोग अपना बात रख लिए हैं, बात तो करने दीजिए। आप लोग को अगर सोल्यूशन चाहिए तो थोड़ा सा शांति बनाए रखना पड़ेगा। ये सभी बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, सभी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में इसलिए ही आई हैं क्योंकि परिवार सक्षम नहीं है बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए, इसलिए इस सरकारी कॉलेज में आई हैं। यहाँ भी इनके लिए एक नॉर्मल से ड्रेस के लिए आप सोचिए 5,000-6,000 अमाउंट लेना कहीं से भी सही नहीं है। अब ये जो है ड्रेस की मांग नहीं कर रही है, इनका कहना है जो इनका पैसा है वो वापस कर दिया जाए, क्योंकि अब कॉलेज से ये निकलने वाली हैं तो ड्रेस लेकर क्या करेंगी। प्रबंधन कहता है कि ड्रेस आप लोगों का बनकर तैयार है, वो अब आप लोगों को दे दिया जाएगा, लेकिन बच्चों की मांग है कि हमें ड्रेस नहीं चाहिए, हमें हमारा पैसा दे दिया जाए। और भी कई तरह की शिकायतें हैं जो इनके साथ हैं, कॉलेज प्रबंधन को लेकर, प्रिंसिपल को लेकर, प्यून को लेकर, या और भी जो लोग हैं। इनका कहना है कि बहुत ही बदतमीजी से सब पेश आते हैं, स्टूडेंट्स की कोई सुनते ही नहीं है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in